क्वेश्चन नंबर उसमें हो गया था आपका, मिसलिनियस में क्वेश्चन वन आपका हो गया था, ये क्वेश्चन वन आ गया समझ में, ठीक है बेटा। क्वेश्चन सेकंड और थर्ड दोनों के दोनों सेम क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के हैं, आप कहो तो बताओ मैं क्वेश्चन सेकंड और थर्ड में से कोई क्वेश्चन करवा दूं। सेकंड करवाना है, कर लिया हो तो थम्स अप रिप्लाई करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में नहीं किया है तो मैं करवा लेता हूँ। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया है कुछ बच्चों ने, बेटा करवाऊं क्वेश्चन नंबर सेकंड, करवाना है गर्दन तो गिनती होगी नहीं, बहुत अच्छा गर्दन की नहीं होती आपकी, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बिल्कुल आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखो जिन्होंने नहीं किया। इसमें ए एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, इसमें एलिमेंट है आपके पास एक 9 एलिमेंट, जबकि ए एन दे रखा है आपको 3 की पावर एन माइनस वन, सब में 3 की पावर एन माइनस वन, बेटा जो चैप्टर 4 था आपका इडियट क्लास में उसमें क्या था, पीएमआई मेथड था, जो क्वेश्चन फर्स्ट में अप्लाई किया वही प्रोसेस इसमें लगानी है हमें, हमें क्या करना है इसकी स्टेप फर्स्ट लेनी है, स्टेप फर्स्ट क्या है इसकी, और n इज इक्वल्स टू 1, इसके लिए हमें जो a की पावर n वाला है इसका स्टेटमेंट चेक करना है क्या वो सही है या गलत है। लेकिन ये बात ध्यान रखना जब a इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स दे रखी है, ये हमें गिवन है पहले से कि इसके इक्वल ये होता है, अब आपको इसको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करना है सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये पूरी लाइन क्या आएगी आपके पास में, a की पावर n है तो a की पावर 1 हो जाएगी, a की पावर 1 होने के बाद देखो a की पावर n माइनस 1 है, पावर n माइनस 1 मतलब n की जगह क्या पुट करोगे आप, 1 पुट करोगे, n की जगह 1 पुट करोगे तो पावर कितनी हो जाएगी, देखो बेटा 3 की पावर n माइनस 1 है, n की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 0, ऐसे ही जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे 3 की पावर क्या हो जाएगी 0 होगी, और 3 की पावर 0 होगी तो हम उसको लिख सकते हैं 1, इसी की पावर 0 हो तो कितना होगा 1 होगा। तो बेटा ये आपकी स्टेप फर्स्ट है, अब हम स्टेप सेकंड समझते हैं कि सेकंड स्टेप क्या है, जो सेकंड स्टेप में बेटा वो है फॉर लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, जो स्टेटमेंट दिया है वो n इक्वल्स टू k के लिए भी क्या है सही है, n इक्वल्स टू k के लिए सही है तो हम मान लेंगे a की पावर k इज इक्वल्स टू 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 सब में सेम आएगा 3 की पावर k माइनस 1। अब हमें लास्ट स्टेप क्या करनी है, हमें प्रूव करना है फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, इसके लिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे LHS, LHS रखेंगे तो क्या आएगा ये आएगा बेटा LHS निकाल रहे हैं, LHS क्या आएगा आपका a की पावर k इंटू a, तो हमें a की पावर k की वैल्यू ये रहेगी और a की वैल्यू ये रहेगी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है RHS के इक्वल लेके आना है, आएगा कैसे देखना है, क्या मैं इस बात कर सकता हूँ फर्स्ट वाले स्टेप को, जल्दी से आप नोट करना चाहो स्टेप फर्स्ट लिख लो ना, फिर मैं इस प्रॉब कर सकता हूँ स्टेप फर्स्ट, नोट कर लिया कुछ बच्चों के बारे में, ठीक है रख कर दूँ स्टेप फर्स्ट, हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है,
तो जो थर्ड स्टेप चल रही है उसमें ए की पावर के क्या है आपके पास में, थ्री की पावर के माइनस वन, के माइनस वन, के माइनस वन, ये भी के माइनस वन, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें इससे। बेटा क्या आएगा नीचे का दिख रहा है क्या आपको, मेरा हाथ दिख रहा है, दिख रहा है मेरा हाथ, ठीक है, कुछ को दिख रहा है कुछ को नहीं, ये क्या है, सब कोई नहीं दिखेगा, ये वाला नहीं ये वाला, बोर्ड पे लिखा रखा हुआ है, दिख रहा है अभी भी नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिख रहा, ये लाइन खींची हुई, चलो कोई बात नहीं, मैं यहां तक ही दूंगा एलिमेंट। देखो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब देखो सिंपल सी बात है सारे एलिमेंट वन से ही मल्टीप्लाई होंगे, तो सारे एलिमेंट वन से मल्टीप्लाई होंगे तो थ्री की पावर के माइनस वन, थ्री की पावर के माइनस वन और थ्री की पावर के माइनस वन। बेटा ध्यान देना यहाँ पे जो एलिमेंट मैंने नीचे लिखा है, समझ रहे हो, जो एलिमेंट यहाँ लिखा है सारे एलिमेंट यही आएंगे, सारे एलिमेंट यही आएंगे क्योंकि सबको सारे इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है, जब इसकी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे वापस यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आसान है। अब देखो आपको क्या समझना है इसमें, मेन चीज क्या समझने की वो देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए वो ये है कि जब आप ये इसका LHS फाइंड करते हो, LHS के अंदर आपके पास जैसे थ्री की पावर के माइनस वन है, थ्री की पावर के माइनस वन है, अगर मैं थ्री की पावर के माइनस वन को पूरे को एक x की तरह मान लू, सपोज दैट x की तरह मान लू, इसका मतलब अगर आप x को तीन बार ऐड करोगे x प्लस x प्लस x, यही तो हुआ x प्लस x प्लस x, तीन बार ऐड किया आपने, तो तीन बार ऐड करेंगे तो 3x होगा कि नहीं होगा, तो ये जो लिखा है ये 3 टाइम 3 की पावर k माइनस 1, बताओ बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, इसके सारे एलिमेंट इतना आया आपको समझ में, इसके बाद आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसमें देखो इसके बाद आपको क्या समझना है इसमें, जो 3 की पावर एक तो 1 है और एक के माइनस 1 है, दोनों मल्टीप्लाई है, अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 3 की पावर के आ जाएगी, 3 की पावर के माइनस 1 में प्लस 1 करेंगे तो 3 की पावर के ही तो आएगी, और हर जगह 3 की पावर के, तो ये हमारा आ गया लास्ट आंसर। तो क्या बेटा RHS में जो आपके पास था a की पावर m के इक्वल, उसमें अगर हम m की जगह डायरेक्ट a प्लस 1 रखें तो क्या यही आएगा, ये जो आपका LHS आया लास्ट में और जो आपके पास पहले से RHS था उसमें n की जगह k प्लस 1 पुट करोगे तो क्या यही आएगा, क्या नहीं समझ में आया बेटा, इसका जो LHS था थ्री की पावर n माइनस 1 देखो किसी भी एलिमेंट में रखो आप n की जगह k प्लस 1 आगे माइनस 1 लगा तो जो प्लस 1 है वो माइनस 1 से कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 की पावर k, तो यही आपका आंसर आएगा सब में जो यहाँ लिखा है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, इसको नोट कर लो जल्दी से, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता देना, अदरवाइज अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और मिट्टी के इस वेग को बढ़ाते हैं।
कर लिया है बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर रफ कर दूं मैं इसको आप लोग नोट कर रहे हो या रफ कर अमित की बनाई बिना आपने नोट कर लिया भाई रिंकू नेहा वतन ये वतन कौन है बेटा कौन सा वतन है आपको समझ में LHS हमने कर लिया RHS की तरफ आते हैं
आरएचएस में आप डायरेक्ट रखो अगर के प्लस वन तो क्या आएगा वन प्लस टू इंटू के प्लस वन, फिर आएगा माइनस फोर के प्लस वन, फिर आएगा के प्लस वन। बस हमें ये चेक करना है आरएचएस आरएचएस बराबर है क्या। देखो इसमें क्या आएगा वन प्लस टू के प्लस टू तो टोटल कितना हो जाएगा थ्री के प्लस टू, थ्री प्लस टू के जो ये एलिमेंट है सेम है बिल्कुल, ये वाला एलिमेंट पहले से ही सेम है, यहाँ ये ब्रैकेट खोलेगी तो यही आएगा, यहाँ इसको खोलेगी तो लिख लो जल्दी से बेटा, किसी बच्चे को डाउट हो पूछ लेना जल्दी से नोट कर लो ठीक है।
हम केवल इसका एलएचएस लेके चलते हैं और अभी देखो एलएचएस क्या है, हमें केवल और केवल ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालना, कुछ नहीं करना, ये तो करना है। देखो ए बी माइनस बी ए और इसका निकालना है ट्रांसपोज, ये आना चाहिए। ठीक है, कैसे आएगा देखो ध्यान से, अगर आप दो मैट्रिक्स प्लस या माइनस, मैं फॉर्मूला साथ में लिख देता हूं, ए प्लस बी का अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ऐसा होता है। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी याद रखो, ए बी माइनस बी ए का होल डेस निकालेंगे या ट्रांसपोज निकालेंगे, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, इसका आंसर क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। दूसरा फॉर्मूला है मेरे पास, इधर फॉर्मूला ए बी का जो होल ट्रांसपोज है वो होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दूसरा फॉर्मूला मैंने लिख दिया है साथ में, जो अप्लाई करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जब इसका एलएचएस निकाल रहे हैं, ए बी का होल ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ये आएगा, फिर माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज बाद वाला पहले लिखा जाता है और पहले वाला बाद में। इतना आपको आ गया समझ में, सबको आ गया, वेरी गुड। अब हमें बी डैश ए डैश के लिए क्या रखना है, जो क्वेश्चन में दिया है बी डैश आपका बी के बराबर है, ए डैश आपका ए के बराबर है, रख देते बी डैश बी के बराबर है, ए डैश ए के बराबर है, ये आ गया। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो बी ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस, तो क्या यही आया जो हम लाना चाह रहे हैं, वही तो आया, तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव। नोट कर लो, फिर करते आगे जल्दी से नोट कर लो बेटा, जो फॉर्मूले लग रहे हैं मैं साथ में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना बहुत आसान है इसके जैसे, ये कुछ क्वेश्चन नंबर 5 अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, शो दैट मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और इसकी स्मॉल बी डैश ए बी ये कोई मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स कैसी हो, या तो ये सिमेट्रिक हो या फिर क्या हो, क्वेश्चन समझ लो सवाल है, या तो ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक हो या क्या हो, इसकी सिमेट्रिक। लेकिन आपको हेल्प किसकी चाहिए, भाई आप सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक इसको प्रूव करना चाहो तो इसमें हेल्प दे रखी क्वेश्चन में आगे, अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक, तो जो हमें गिवन है ये तो प्रूव करना पड़ेगा, ए आपका
सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक। बेटा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, बी डैश ए की जो मैट्रिक्स है इसको सिमेट्रिक प्रूव करनी है अगर ए आपका सिमेट्रिक है, या इसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करनी है अगर आपका ए स्क्यू सिमेट्रिक। समझ गए, ए को वैसे ही लेना है जो प्रूव कर रहे हो। देखो मैं पहले सिमेट्रिक के लिए करता हूं, लेट ए इज सिमेट्रिक देन ए डैश इज इक्वल्स टू ए। तो आ गया आपको समझ में, ए डैश क्या आ गया ए के इक्वल। अगर ए डैश ए के इक्वल है तो हमें निकालना है बी डैश ए बी, ये क्या आएगा। तो हमें इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले ट्रांसपोज निकालेंगे तभी तो पता चलेगा क्या है सिमेट्रिक क्या इसकी सिमेट्रिक। तो बेटा किसी का ट्रांसपोज निकालो, तो मैं इसमें मान लेता हूं ऐसा मान लेते हैं, ठीक है बी डैश ए बी आ गया। तो यहां से क्या आएगा बेटा, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। दो मैट्रिक्स हैं, एक बी डैश है दूसरी ए बी है। अगर उसका आप ट्रांसपोज निकालोगे तो बाद में जो लिखी है वो पहले आएगी, पहले वाली बाद में आ जाएगी, ठीक है। किसी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालते हो, देखो अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ए बी का होल डैश देखो, ए बी का जो होल डैश है वो क्या आएगा बी डैश ए डैश, और फिर क्या आएगा बी डैश का डैश। बताओ किसी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही तो होता है वापस, तो भैया क्या आ गया बी आ गया। आ गया बेटा बी डैश से ये वाला, ध्यान से समझ लेना टाइम कम है, हो गया है नोट कर लो बेटा। इसकी वैल्यू आ गई बी और इसकी वैल्यू ऊपर लिख दी है, तो यहां से आपके पास जो आंसर आएगा बी डैश ऐसे कैसे, ए डैश की वैल्यू पहले से ही ए है और ये बी आ गया, मतलब जो आप प्रूव कर रहे थे जिसका ट्रांसपोज निकाल रहे थे वो वही आ गया जो निकालना चाहते। इसका मतलब ये क्या है सिमेट्रिक। इसके एक सौ क्लियर नोट कर लो, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे बेटा, कोई भी डाउट है नेक्स्ट क्लास में। 20 सेकंड है, इसके एक सौ ले लो या नोट कर लो, 20 सेकंड में नोट कर सकते हो कर लो, इसके एक सौ लेना है, ठीक है बेटा। आज की क्लास यहाँ तक ही, आप लोग इनको करना है, ये चैप्टर खत्म करना है, जो क्वेश्चन बच गए वो आपको कवर करना है, ठीक है। डाउट हो पूछना अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतनी ही थी, ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय।